आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सावन महीने के आखिरी सोमवार को भक्त शिव मंदिरों में दिखे। सावन के आखिरी चरण में मिर्जापुर का प्रत्येक मंदिर भक्तों का जयघोष से वातावरण शिवमय हो गया। मिर्जापुर में शिव मंदिरों में एक प्रमुख स्थापना श्री पंचमुखी महादेव मंदिर बरियाघाट का भी है। यह मंदिर काफी सिद्ध माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस मंदिर में भगवान से मन्नत मांगता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की महिमा नेपाल के पशुपतिनाथ से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में साल के 12 महीने भक्त कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस मंदिर का देखरेख श्री रामलीला कमेटी बरियाघाट करती है। कमेटी द्वारा प्राचीन मंदिर श्री पंचमुखी महादेव जी का अद्भुत श्रृंगार किया गया। आयोजक मंडल द्वारा 21 प्रकार से अलग अलग तरीके से आरती भगवान की गई। 56 भोग के साथ आयोजक विपिन कुमार गौर पुजारी द्वारा भव्य आरती की गई। पंचमुखी सेवा समिति द्वारा शिव पार्वती स्वरूप की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हुए पालकी यात्रा में शामिल थे। कमेटी के अध्यक्ष गौरव उमर व महामंत्री अशेवर नाथ के सरवानी के नेतृत्व में पंचमुखी मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूल और आकर्षक झालरों से सजाया गया और संवारा गया था। मंदिर में अमरनाथ शीशनाग राम जान की याद झांकियां भी सजाई गई। आपको बता दें, सारे लोग भगवान भोलेनाथ से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। पालकी यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में समाप्त हुई। रात्रि 1 बजे पंचमुखी महादेव जी का 56 भोग महाआरती मंदिर परिसर में किया गया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।